नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना वाहन। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और साथ ही दिखाएंगे कृषि पत्रकारिता पर आधारित राष्ट्रीय कृषि कार्यशाला, जिसका आयोजन गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंत नगर उत्तराखंड में किया गया। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। आम की भरपूर फसल से उत्पादकों में उत्साह, प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना और दामों में आए उछाल के चलते रबर उत्पादकों को मिली राहत। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं स्निग्धा रितेश और अब खबरें विस्तार से। आम खाने के शौकीन लोगों के लिए इस साल खुशखबरी है। इस साल देश के अधिकांश हिस्सों में आम की भरपूर फसल होने की उम्मीद से उत्पादकों में उत्साह है। देश में कम बरसात होने से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई इस साल आम की बेहतर फसल होने की उम्मीद से होने की पूरी संभावना है। आम खाने के शौकीन लोग इस साल जी भरकर आम का स्वाद चख सकेंगे। कृषि मंत्रालय के अनुसार आम के फसल वर्ष 2015-16 में आम का उत्पादन करीब 2.1% ज्यादा होने का अनुमान है। मंत्रालय के अनुसार आम के उत्पादन में हुई इस बढ़ोतरी के बाद आम उत्पादन करीब 18.91 लाख टन हो सकता है। बीते साल आम उत्पादन 18.52 लाख टन रहा था। आम के उत्पादन में हुई इस बढ़ोतरी की वजह से आम खाने के शौकीन लोगों को कम दाम पर आम मिल सकेंगे। पिछले साल प्याज की कीमतों में हुई तेजी के कारण किसानों ने चालू सीजन में प्याज की बुआई में काफी दिलचस्पी दिखाई, जिससे इस साल प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। केंद्र सरकार को इस साल जहां दालों और तिलहन को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं प्याज उत्पादन को लेकर राहत मिल रही है। देश में इस साल प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर आरपी गुप्ता ने वर्ष 2015-16 में प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना जताते हुए कहा कि इस वर्ष देश में 205 से 208 लाख टन प्याज उत्पादन होने का अनुमान है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि पिछले साल प्याज की कीमतों में हुई तेजी के कारण किसानों ने चालू सीजन में प्याज की बुआई में काफी दिलचस्पी दिखाई, जिससे इस साल प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। प्याज उत्पादन में अव्वल महाराष्ट्र में, जहां प्याज की नई फसल की आवक में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल आदि में भी प्याज उत्पादन बेहतर हुआ है। मंदी की मार से परेशान रबर उत्पादकों को रबर के दामों में आए उछाल के चलते राहत मिली है। हाल के दिनों में रबर के दामों में 20 से 25% तक वृद्धि हुई है। टायर बनाने में इस्तेमाल होने वाले रबर की कीमतों में तेजी के चलते मौजूदा समय में रबर उत्पादकों में उत्साह है। पिछले कई सालों से रबर उद्योग मंदी की मार से परेशान था। प्राकृतिक रबर की कीमतें पिछले काफी समय से निचले स्तर पर चल रही थी, लेकिन हाल ही में रबर की कीमतों में उछाल आया है। रबर बोर्ड के अनुसार कीमतों में आए उछाल के चलते कोचीन में RSS 4 की कीमतें 114 रुपये प्रति किलोग्राम और RSS 5 रबर की कीमत 111 रुपये प्रति किलोग्राम तक चल रही हैं। टायर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे रबर की कीमतों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनमें अभी और सुधार आने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि टायर निर्माण में कच्चे माल की कुल लागत का करीब 40% हिस्सा प्राकृतिक रबर का होता है। टायर उद्योग में मांग बढ़ने से रबर उत्पादकों को फायदा होने की भी पूरी उम्मीद है। खेती किसानी में मौसम की भूमिका काफी अहम हो जाती है, इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए मौसम का पूर्वानुमान होना और उसकी जानकारी होना काफी जरूरी हो जाता है, जिससे आपका उत्पादन तो बढ़े ही साथ ही कृषि भी सरल हो जाए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। देश के मैदानी भागों, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर आंधी आने के साथ बरसात होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भागों, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में भी बादल छाए रहने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरला के ज्यादातर भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे व कुछ स्थानों पर बरसात होने का अनुमान है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में आयोजित कृषि पत्रकारिता पर आधारित राष्ट्र कार्यशाला के बारे में। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में हुए आयोजित कृषि पत्रकारिता पर आधारित राष्ट्र कार्यशाला के बारे में, जहां पत्रकारिता की मुख्य धारा से कृषि पत्रकारिता को जोड़ने पर जोर दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे परिवर्तन के दौर में कृषि पत्रकारिता पर जोर दिया गया, कृषि पत्रकारिता की संभावनाएं, साथ ही कृषि पत्रकारिता में किसान चैनल की भूमिका पर अहम चर्चा हुई। आइए दिखाते हैं आपको भी। उत्तराखंड के पंतनगर जिले में गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य संबोधन पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मंगला राय द्वारा किया गया। लोग आज पानी, सूखा, कृषि के बारे में चिंतित हैं और इसीलिए उस चिंता में आपके योगदान के लिए मेरे संबोधन में मानवता के मित्रों के रूप में आपका संबोधन आया था। क्या आज स्थिति है? ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छी बात, इस विश्वविद्यालय का योगदान बहुत अच्छी बात, पर हमें क्रिटिसाइज करना होगा अपने को अगर आगे बढ़ना है तो। इस देश में खेत बदला, खलिहान बदले, हम भी बदले, आप बदले, कृषि बदले, उद्योग बदला, धंधा बदला, व्यवस्था बदली, सब कुछ तो बदला, बस कितना बदला, किस दिशा में बदला, यह एक यक्ष प्रश्न है। इसका मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा, इसका मूल्यांकन हो नहीं रहा है। उस समय 140 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती थी, आज भी 140 प्लस माइनस 2 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती है, आबादी 3 गुना बढ़ गई, पहले से अब बेहतर हो यह सत्य है, पर क्या इतना ही बेहतर होना चाहिए था? यही तो यक्ष प्रश्न है। अगर 140 मिलियन में ही खेती हो रही है और 3 गुना आबादी बढ़ गई, भरण कुपोषण निवारण हो गया, पर यक्ष प्रश्न तो आज है कि 40% इस देश के लोग प्रोटीन एनर्जी माल निरिष्ट हैं। यह यक्ष प्रश्न है, यह यक्ष प्रश्न है कि पूरे विश्व का
17% आबादी भारतवर्ष में है, पूरे विश्व का मात्र 4.2% पानी भारतवर्ष में है, पूरे विश्व का मात्र 2.3% जमीन भारतवर्ष में है, और पूरी दुनिया में पर यूनिट लैंड पर जितना एग्रीकल्चर प्रेशर है उससे 5 से 6 गुना हिंदुस्तान में वो प्रेशर ज्यादा है। कितने लोग अंडे के बारे में लिखते हैं, अंगूर के बारे में आप कितने लिखते हो, पोम ग्रेनेट के बारे में आप कितना लिखते हो, छोड़ दीजिए और सूकर पालन जिसको आप निखिद्ध धंधा मानते हैं, ऐसी उन्नतशील प्रजातियों का विकास हुआ जो साल भर में जब 35 किलो बॉडी वेट करती थी आज 1 क्विंटल के ज्यादा बॉडी वेट गेन कर रहे हैं। अंगूर बीमार होने पर जो मिलता था भारतवर्ष की उत्पादकता में या तो पहला या दूसरे स्थान पर आ गया। पोम ग्रेनेट कभी कभी देखने को मिलता था, आज बाजार बढ़े तो चाहे वो फल हो, सब्जी, आलू और प्याज, साल भर सब्जी खा रहे हैं। कितने लेखक हैं जो इस पर लिखते हैं इसके बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, बड़ा अच्छा, 5 गुना ही बढ़ा, अंडा 40 गुना बढ़ गया, अरे और सब छोड़ दीजिए, रेनफेड एग्रीकल्चर में अरंडी गुजरात जैसे चीज प्रदेश को ले लीजिए जहां सूखा है, किसने लिखा इस पर। कहते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है एफ्लुएंट सिचुएशन की टेक्नोलॉजी है, रेनफेड गुजरात कैस्टर हाइब्रिड 42 गुना उत्पादन बढ़ गया, किसने लिखा, किसने प्रचार प्रसार किया। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो ये हुआ, इसीलिए तो कह रहा हूं कि दशा और दिशा के बारे में चिंतन करना आवश्यक होगा। 111% क्रॉपिंग इंटेंसिटी तब देश की थी, आज 137% हो गई, क्योंकि 140 मिलियन का 140 मिलियन ही हेक्टेयर है, जमीन तो बढ़ने वाली है नहीं। सवाल यह है कि उस दिशा में क्रॉपिंग इंटेंसिटी को जब बढ़ाना है तो वाटर की प्रोडक्टिविटी, मल्टीपल यूज वाटर, वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और कोई विकल्प है क्या। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो देश में नाइट्रोजन मात्र 1 न्यूट्रिएंट कम था, आज जिंक, बोरान, सल्फर गिनते जाओ 8-9, वो कम हो गए, उसे डाल नहीं रहे हो। 30 मिलियन न्यूट्रिएंट्स हर साल जमीन से ले रहे हो, रिप्लेनिश कर रहे हो 20, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेज क्रिएट कर रहे हो। 60-70 हजार करोड़ जो सब्सिडी है उसको ट्यून इस तरह से कर दिए हो कि वो डिसास्टर और क्रिएट कर रही है। इस पर लेखन की आवश्यकता नहीं है, इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं है, इस पर डिबेट की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से पानी जो कांस्टेंट है, वाटर यूज इफिशियंसी इस देश में कितनी है, 20% से ज्यादा है क्या, बस रात में खोल दिया पानी, नहर हो चाहे ना हो जा रहा, अनडुलेटेड टोपोग्राफी है जो है, हाउ लॉन्ग हाउ फार। एक तो आप मात्र 30-31% ही वाटर हार्वेस्ट करते हो और यूज इफिशियंसी 20%, आज 80% वाटर आप एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हो, कब तक सरवाइव करोगे आप। ये पहले से विकट प्रश्न है, इसीलिए मीटिंग बुलाई गई, ये विकट प्रश्न है, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता की मुख्य धारा से कृषि पत्रकारिता को जोड़ने की बात पर जोर दिया गया। वहीं कार्यशाला के 2 दिन के कार्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे परिवर्तन के दौर में बिसरती पत्रकारिता, कृषि एवं विकासात्मक पत्रकारिता हेतु मानव संसाधन, कृषि पत्रकारिता में किसान चैनल की भूमिका तथा कृषि पत्रकारिता के पुनर्स्थान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जहां पत्रकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहे। हमारा किसान इस खाद का इस्तेमाल इतना करे, इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ऐसे करे, इस बीज का इस्तेमाल इस प्रकार से इतना करे, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज एक्सटेंशन। मेरा जॉब वहां खत्म हो जाता है। व्हेन इट बिकम्स कम्युनिकेशन, कुछ जॉब अभी बाकी है। अगर हमारा किसान ये भी जान ले कि वो जो इंसेक्टिसाइड है, वो जो पेस्टिसाइड है, वो किस प्रकार से कीड़ों को मार रहा है, कीड़ों को मार रहा है तो उन गैर जरूरी कीड़ों को भी मार रहा है क्या,
उन लोगों को भी कोई हार्म पहुंचा सकता है क्या जो इसको खाने वाले हैं आगे चल करके इस प्रकार के पैदा हुए अन्न को? वो जो साइंस है उसका, इफ वी आर एबल टू कम्युनिकेट दैट साइंस टू द पॉसिबल एक्सटेंट सो दैट ही अंडरस्टैंड्स द गुड्स एंड बैड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ये जो है उसका एक कम्युनिकेशन का एलिमेंट आ गया। फर्दर एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, फर्दर फर्दर डीपर, मोर डीपर, बिकॉज जब आप वो नॉलेज और वो लेवल एक्वायर करते हैं, इट मींस यू आर एबल टू क्रिएट न्यू नॉलेज। सो फॉर क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आपको बहुत सारा इन डेप्थ जानकारी चाहिए, दैट इज एजुकेशन, दैट इज साइंस एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन एक्सटेंशन, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन जर्नलिज्म। बट सबके अलग अलग रोल हैं, सबके अलग अलग लेवल्स हैं, सबकी अलग अलग लिमिटेशंस हैं, तो ये हमें समझनी चाहिए एज एन ऑडियंस, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए गवर्नेंस, ये हमें सारा समझना चाहिए कि हर एक का क्या दायरा है, क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं और किस प्रकार से हमें उसको लेकर के प्रचार, पब्लिसिटी, क्रोर्स ऑफ रुपीज़ आर बीइंग स्पेंट ऑन पब्लिसिटी गिविंग एडवर्टीजमेंट्स इन ऑल क्रॉस चैनल, क्रॉस मीडिया, क्रॉस प्रिंट पब्लिसिटी, ऑल दीज थिंग्स, मुझे पता नहीं कितनी चीज़ें लोगों के पास पहुँचती हैं, उसका फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट इफ वी आर एबल टू स्पेंड ऑन कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म और व्हाट वी कॉल एन एक्सटेंशन, आई थिंक द रिजल्ट्स वुड बी मैनीफोल्ड। तो ये थोड़ा सा हमें, जैसे माननीय कुलपति जी ने सुबह कहा कि हमें सोचना होगा कि हम जो कर रहे हैं और जो करना है उसके परिणाम और कैसा तालमेल बिठाएं कि किस प्रकार से रिसोर्सेज का हम सही अनुपात में एक पैमाना तैयार कर पाएं ताकि उसके सही जो रिजल्ट्स हैं वो लोगों तक पहुँच पाएं। अभी तक इतने समय में करीब 20,000 किसान पूरे देश भर से हमारे कार्यक्रमों से जुड़ पाए हैं, एक डाटा के अनुसार करीब 500 कृषि वैज्ञानिक कार्यक्रम से जुड़ पाए हैं और सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को हम कोशिश में हैं कि उनके साथ हमारा तालमेल हो जाए और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि सभी कृषि विश्वविद्यालय, सभी कृषि विज्ञान केंद्र, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सारे संस्थान, ये सभी जुड़ पाएँ और हमारे पास जो लाइव टेलीकास्ट की फैसिलिटी है जिसको DSNG वैन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड प्रोडक्शन यूनिट कहते हैं और इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं ताकि जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ से हम इनका कवरेज करा पाएँ, लाइव कार्यक्रम करा पाएँ ताकि किसानों से सीधे वार्तालाप करा पाएँ। जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो नया काम कर रहे हैं, नई परिस्थितियों के अनुकूल कर रहे हैं, नए आप जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कर रहे हैं, नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, वो किसान तक जाए और किसान उसका फ़ायदा लेकर के उसका एक एम्पावरमेंट हो, उसका इकोनॉमिक वेलबींग हो और हमारी जो सिक्योरिटी है वो फूड सिक्योरिटी हो या दूसरे इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो उसको बेहतर कर पाएँ, उसके लिए मीडिया का योगदान मैं मानता हूँ कि जब तक उसमें नहीं होगा तब तक ये सारी मेहनत जितनी हम लोग कोशिशें कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो कारगर साबित नहीं होगी। अल्टीमेटली हम लोग कर रहे हैं कि देश में प्रॉस्पेरिटी आए, लोगों का जीवन बेहतर हो, किसान की स्थिति बेहतर हो, उसके लिए मीडिया में एक जो बड़े रिवॉल्यूशन की मेरे ख्याल से ज़रूरत है, बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है और मेरा मानना है कि उसमें अभी जो परिस्थितियां हैं वो भी बदल रही हैं, मीडिया भी बदल रहा है। मीडिया भी एक पहले प्रिंट था, फिर आपका टीवी जर्नलिज्म आया और अब डिजिटल मीडिया आ गया और मेरा मानना है कि ये जो जैसे हम लोग देख रहे थे अभी कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, कैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई, कैसे दुनिया में कितना हमें सहयोग भी मिला बाहर से, मीडिया इज़ ऑल्सो हैपनिंग अराउंड दिस। मीडिया में जो रिवोल्यूशन हो रहा है डिजिटल मीडिया का, ये एम्पावर कर रहा और ये सारी बाउंड्रीज तोड़ देगा। तो मेरा मानना है कि जो नए जो लोग आ रहे हैं मीडिया में, ये स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनकी भूमिका हमसे कहीं बड़ी होने वाली है और इस भूमिका में जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक वो अपने आप को उस व्यक्ति के साथ में देख करके और उसकी बेहतरी के बारे में नहीं सोचेगा, अपना कैरियर एक अलग है और उन लोगों का जीवन बदलना उसके साथ है, तो उन दोनों के बीच में समायोजन करके आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि ये हम लोग का जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसको हासिल करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। वहीं भारत में ग्रामीण पत्रकारिता और उससे भी अधिक कृषि पत्रकारिता एक उपेक्षित विषय रहा है, लेकिन समय के साथ तस्वीर अब बदल चुकी है। गांव-गांव तक मीडिया की पहुंच सराहनीय है। सबसे बड़ा प्रभावशाली जो हमारा माध्यम है वो है टेलीविज़न है, रेडियो है, जिसकी पहुंच काफ़ी गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। और हमारे टीवी के कार्यक्रम में, रेडियो के कार्यक्रम में जो साइंटिस्ट आते हैं, काफ़ी क्रेडिबल साइंटिस्ट आते हैं, जाने माने वैज्ञानिक रहते हैं,
और उनके मार्फत या उनके थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है किसान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब रही बात कि वो टेक्नोलॉजी हमें गांव-गांव तक कैसे पहुंचे और उसको कैसे लागू किया जाए, उसके लिए हमारे जो कृषि विस्तार की जो प्रणाली है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा प्रोग्राम हो, इन सब का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है कि जो डिफरेंट मीडिया से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रॉपरली समझें, उसको इंटरप्रेट करें और उसको किसान के लैंग्वेज में जाके गांव में प्रदर्शित करें, तभी उसका एक संतुलन बनना रहेगा। यानी जो वैज्ञानिक खेती के बारे में जो इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट के द्वारा जो आ रही है मीडिया के थ्रू, और इसीलिए हमने प्रपोज़ किया था, मेरे आज जो इंटरवेंशन मैंने किया था उसमें ये भी मैंने प्रपोज़ किया था कि गांव में हमारे एक फार्मर्स नॉलेज क्लब्स हो और किसान मैसेज सुनने के बाद उसको ये सोचे कि भाई किस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन को लागू करना है, और वहाँ आता है हमारे जो ग्राम विस्तारक है या फार्मर फ्रेंड है, आत्मा के लोग हैं, केवीके के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, उनका रोल आता है कि किसान को किस प्रकार से हेल्प करें। प्रेस का अपना उत्तरदायित्व है, प्रेस अगर समस्याओं को उजागर करे, सफलताओं को लोगों को बतावें, तो उससे लोगों में जागृति आएगी और लोग उसको उपयोग करेंगे। और आजकल लोग अखबारों में, खासकर हिंदी का अखबार या जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसका अखबार की संग लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसी में कृषि का एक जर्नलिज्म के जरिए, पत्रकारिता के जरिए कृषि के समाचार हैं, योजनाओं के बारे में आवे, योजनाओं की सफलता के बारे में आवे, असफलता के बारे में आवे। मैंने जर्नलिज्म तो यही है ना कि पॉजिटिव और निगेटिव, या उसमें जो उसको दे, जिससे कि उसका जो पॉलिसी धारस है वो हो है। अब छोटे छोटे गांव के रहने वाले किसान हैं, वो तो नहीं जा सकते हैं, तो उनकी उनके आवाज़ को बुलंद करना ये जर्नलिस्ट का काम है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के पर यहाँ डिस्कशंस हो रहा है, मीडिया वाले भी आए हैं और सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं, बड़ा अच्छा डिस्कशंस हो रहा है। देश में कृषि क्षेत्र की तस्वीर तेजी से बदल रही है, जहाँ उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू सामने आ रहे हैं। जहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण क्षण है कि हम उनके बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर
twitter.com/krishidarshantd, फेसबुक पर facebook.com/krishidarshantd, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/krishidarshantd। भेजे हमें मेल krishidarshantd@gmail.com पर। किसान साथियों, हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज के लिए इतना ही। कृषि से जुड़ी नई नई जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन।